अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो वक्त ही बताता है। अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते हैं। कड़वी लेकिन सच बात है, हम किसी के लिए उस वक्त तक खास होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा मिल नहीं जाता। रिश्ते और रास्ते एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी रिश्ते निभाते हुए रास्ते बदल जाते हैं और कभी रास्ते पर चलते हुए रिश्ते बदल जाते हैं। अगर जिंदगी में कोई आपसे जलता है तो आप उसे जलने दीजिए। याद रखिए, हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वो अहंकार हो, वस्तु हो या फिर कोई इंसान। भूल जाओ कि आपको क्या चोट लगी है, लेकिन यह कभी मत भूलना कि इसने आपको क्या सिखाया। कितना मजबूत होगा वह इंसान जो अंदर से टूटकर भी दुनिया के सामने हंसता रहता है। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। घमंड किस बात का करे, आज मिट्टी के ऊपर है तो कल मिट्टी के नीचे। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया। जब किस्मत और हालात खराब हो तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। उन्हें वहम है कि हमें उनकी चालाकियां समझ नहीं आती, हम खामोशी से देख रहे हैं उन्हें अपनी नज़रों से गिरते हुए। जो किसी की बुराई नहीं करेगा, जो हमेशा सच्ची बात करेगा, आज के समय में उसका साथ कोई नहीं देगा। हीरा परखने वाले से पीरा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीरा ही नहीं परख सकता, तो उस व्यक्ति ने कभी आपको प्रेम किया ही नहीं था। जो चीज गलत है वो गलत है, चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बदतमीज बन जाओ। बीते कल से क्या शिकायत करें, दुख तो ये होता है कि गलत लोगों के साथ अपना वक्त बहुत बर्बाद किया। जब नाराजगी अपनों से हो तो खामोशी ही भली, अब हर बात पर जंग हो ये जरूरी तो नहीं। भूखा पेट, टूटा दिल और बेरोजगारी के दिन ये आपको जिंदगी के सबसे बेहतरीन सबक सिखा जाते हैं। परिवर्तन से मत डरो, अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। बेवजह ही नहीं होती है मुलाकात किसी अनजान से, कोई अधूरा रह गया रिश्ता पूरा होना लिखा होता है। किसी की मदद करने की प्रतियोगिता में जरूर दौड़े, आप अवश्य जीतेंगे, क्योंकि इस तरह की प्रतियोगिता में बहुत कम लोग भाग लेते हैं। जिंदगी और शतरंज की बाजी में फर्क सिर्फ इतना है कि जिंदगी में आपको सफेद और काले मोहरों का कभी पता ही नहीं चलता। किसी के अच्छे चित्र से उसका चरित्र साफ नहीं होता। लोग गंगा नहाते हैं, मगर सिर्फ गंगा नहाने से गुनाह माफ नहीं होता। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। डिग्रियां तो शैक्षिक खर्चों की रसीद मात्र है, शिक्षा तो वही है जो आचरण से झलकती है। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद उसकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। रिश्ते भी नौकरी के तरह हो गए हैं आजकल, बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। बुरे वक्त में भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी मौजूद है जहाँ हम गुनाह करते हैं। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है। मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। अगर आप आज में खुश रहना चाहते हो तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। इंसान बुजदिल इतना है कि ख्वाब में भी डर जाता है, और बहादुर इतना कि अपने रब से भी नहीं डरता। खुद की कीमत रखिए उतनी ही,
जितनी अदा कर सके। अगर अनमोल हो गए तो तन्हा रह जाओगे। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। गर्द हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी न करना जमाने से। लोग कटी पतंग को जम कर लूटा करते हैं।